चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एग्जाम से पूर्व, और ये लगभग 10-20 के आसपास हैं। तो इन क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या बढ़ते रही है? तो आप बता पाएंगे, आप ये जानते हैं पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा दो में निगेटिव रही है, तो इसका आंसर आपको सी मिल जाएगा, गढ़वाल एवं अल्मोड़ा, या पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में निगेटिव ग्रोथ रेट रही है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का घोषित आठवां नगर निगम कौन सा? आठवां पूछा है, तो जो आठवां घोषित नगर निगम है वो कौन सा है? कोटद्वार है। कौन सा है? कोटद्वार है। याद रखेंगे श्रीनगर आपका नवा बनने जा रहा है। कौन सा बनने जा रहा है? श्रीनगर आपका नवा पूछते हो श्रीनगर होता, लेकिन ये आठवां कौन सा है? कोटद्वार है ना। अभी तक आठ बन चुके हैं, नवा प्रस्तावित है। कौन सा? श्रीनगर आठ नगर निगम है, नवा प्रस्तावित श्रीनगर। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ये सब जानते हैं, एच जी वाल्टन। कौन आंसर करेंगे इसका? एच जी वाल्टन आंसर कर देंगे। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, किसका भाग है, किस लोकसभा का भाग पूछा गया है? तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र जो भाग है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का भाग है। किसका? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का भाग है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि रामनगर चूंकि पड़ता है नैनीताल के पास, तो इसका होना चाहिए, बट ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का भाग है, दोनों के बीच में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह, पिथौरागढ़। तो सबसे पूर्वी जनपद जो आपका है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। कौन सा है? पिथौरागढ़, याद रखेंगे। तो सबसे जो पूर्वी जनपद होगा वो क्या होगा? पिथौरागढ़। क्या होगा? पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी आपका देहरादून हो जाएगा। उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? फसल चक्र प्रणाली से। किससे? फसल चक्र प्रणाली से। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? कुमाऊं पर कब अधिकार किया बताइए? तो आप सब जानते हैं गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था, तो आप बता पाएंगे इसका आंसर 1790 हो जाएगा। 1790 में किया था, 1803 और 4 में गढ़वाल पर किया था। चलिए कूट को मिला लेते हैं हम लोग, आंसर छाटना है, ग्लेशियर और रिवर कौन सा सही होगा? तो आइए देखिए ट्रैक करते हैं, संतोपद ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? आप सब जानते हैं संतोपद ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा आती है, मिला लीजिए। मिलाम ग्लेशियर से आपकी गौरीगंगा हो जाएगी, है ना। चोराबाड़ी से मंदाकिनी है, और खतलिंग से भिलंगना है। तो देखिए ए का थ्री कहाँ मिल रहा है? सीधी सी बात है, एक ही में आपको ए का थ्री मिल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3241, यानी कि संतोपद अलकनंदा, मिलम गौरीगंगा, खतलिंग भिलंगना, चोराबाड़ी मंदाकिनी। बीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो बीरचंद सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के लिए प्रसिद्ध है, ये कब हुआ था आप सब जानते हैं, 1930 में हुआ था, जब नमक सत्याग्रह चला था, उस समय के लिए चल रहा था। लगातार जुटे रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब से अनुपम सर को। अगला है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितने हेक्टेयर में है? तो आप सब जानते हैं कितना हेक्टेयर औसत जोत का आकार, करंट का क्वेश्चंस भी है उत्तराखंड की आर्थिक का, तो ये 0.9 हेक्टेयर है, 0.89 हेक्टेयर है। उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? आप सब जानते हैं, देखिए तलाऊ तो हो नहीं सकता है, तलाऊ क्या होती है? सिंचित भूमि होती, तो तलाऊ को हटा देंगे। अब असिंचित पूछा है और उपजाऊ भूमि पूछा, असिंचित तो अब्बल, उपराऊ अब्बल, क्या हो जाएगा? उपराऊ अब्बल। तो 21 का ए कर लेंगे हम लोग। उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती? अब देखिए कितने जिलों की मिलता है, आपको याद रखना है कि तीन तो आपके लगते हैं नेपाल से, और तीन लगते हैं चीन से, उसमें पिथौरागढ़ कामन है, चीन से भी नेपाल से भी। तो कुल मिला के पाँच जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है, पाँच। कौन कौन से पाँच आप सब जानते हो? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तीन जिले नेपाल से और तीन जिले चाइना से लगते हैं, जिसमें पिथौरागढ़ कामन है, चाइना नेपाल दोनों से लगता है। उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पट्टी में कौन सी जलवायु दिशा विद्यमान है? तो कौन सी विद्यमान है? 23 की अगर बात करेंगे तो ये उपोष्ण विद्यमान है, उपोष्ण। निम्नलिखित क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे छोटा जो जनपद है चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा चंपावत। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? आप सब जानते हैं किसको दिया गया था? विल्सन को दिया गया था। किसको? विल्सन को।
देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको रटते रहिए, लास्ट में आपके बहुत काम आएंगे। अगला है, कत्यूरु शासकों की राजधानी क्या थी? तो आप सब जानते हैं कत्यूरु शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। टेहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? टेहरी का विलय कब हुआ था आप सब जानते हैं, 1949 को हुआ था, 1949 को हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लव हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य भ्रंश स्थित रेखा क्या कहते हैं? MBT, जो मेन फॉल्ट थ्रंट है, मुख्य सीमा भ्रंश की अगर बात करें तो इसका आंसर आपको सी मिल जाएगा, मुख्य सीमा भ्रंश। अगला है, आपको मैच करना है कि उद्योग कहाँ कहाँ स्थित, चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या मिलेगा इसका आंसर। तो जो आपका सेंचुरी पेपर एंड पेपर बोर्ड्स मिल, भारत हवेली, इसमें अगर आप जो भी मैच करेंगे तो इसका आंसर आपको, देखिए पहला जो पेपर फैक्ट्री आपको कर लेंगे लाल कुआं से, तो इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी आंसर क्या होगा इसका? डी फॉर दिल्ली, ये देखिए मिला लीजिए। सेंचुरी पेपर एंड पल्ट बोर्ड मिल कहाँ पर है? लाल कुआं में है, आप सब जानते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड रानीपुर में है, HMT आपका रानीबाग में है, और भारत रेल कोटद्वार में है, तो 1, 2, 3, 4। अगला है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 21 ईयर में हुई थी, आपसे पूछा गया है, तो 1767 में हुई थी, 1767 में हुई थी, कर लेंगे इसको। अगला है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि, ये तो आपने भी कर ही लिया, सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1767। उत्तराखंड वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितनी है, 189, 189, 189। अल्मोड़ा जनपद में झिरोली किस लिए प्रसिद्ध है? झिरोली, तो आप जानते हैं झिरोली जो है मैग्नेसाइट खनन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नेसाइट, झिरोला किसके लिए? मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, आप रख लीजिए। अगला है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति जो ज्ञात नस्ल है वो कौन सी है? कोल। उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य किसके लिए होता है? एंग्लो इंडियन, हालांकि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी करना होगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था पुनर्गठन विधेयक यूपी में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2000 को, जिसके बाद उत्तराखंड अलग बना था, 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के PM कौन थे? तो आप जानते हैं सबसे पहले SD देवेगौड़ा के समय, पहला आंसर SD देवेगौड़ा। अगला है, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? बीज बचाओ आंदोलन अल्मोड़ा गढ़वाल पिथौरागढ़ किससे शुरू किया गया था बीज बचाओ आंदोलन? तो आप सब जानते हैं टिहरी गढ़वाल से, कहाँ से? टिहरी गढ़वाल से बीज बचाओ आंदोलन, है ना। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? आप सब जानते हैं किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए, और जाने से पहले देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।